हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सरिता और आज आपकी डर फिजी हेयर्स के लेके आए हुए एक हेयर सीरम जो आपके बालों को बनाएगा एकदम स्मूथ। बेसिकली देखा जाए तो हमारे बाल रफ कब होते हैं, इसके दो रीजंस होते हैं। पहला, जब हम धूल मिट्टी धूप प्रदूषण में जाते हैं तो हमारे बाल रफ और फिजी हो जाते हैं। दूसरा, जब हम शैम्पू करते हैं तो शैम्पू के अंदर केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से वो हमारे बालों का जो मॉइस्चर होता है उसको निकाल देता है, उसकी वजह से हमारे बाल रफ हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आप जब पहला आप धूल धूप में जा रहे हैं तो आप अपने हेयर्स को कवर कर सकते हैं। दूसरा, जब आप शैम्पू यूज़ कर रहे हैं तो शैम्पू यूज़ करने से पहले और शैम्पू यूज़ करने के बाद आप अपने अपने बालों में ऑयल कर सकते हैं। जिस तरह हम अपने बॉडी को पूरा न्यूट्रिशन देते हैं, हेल्दी रखने के लिए पूरा न्यूट्रिशन देते हैं, तो उसी तरह हमें हमारे बालों को भी न्यूट्रिशन चाहिए होता है जिससे कि वो हेल्दी रहें और अच्छे दिखें। उसी के लिए मैं लेके आई हूँ एक हेयर मास्क, जिसे आप लगाएंगे तो आपके बाल एकदम हेल्दी और स्मूथ नजर आएंगे। मैं अपने सीरम के अंदर सिर्फ तीन चीज़ों का यूज़ कर रही हूँ। पहला एलोवेरा जेल, दूसरा कोकोनट ऑयल एंड तीसरा विटामिन ई का एक कैप्सूल। आप इसको अपने लेंथ के अकॉर्डिंग, अपने बालों के लेंथ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। जानते हैं इनके गुणों के बारे में। पहला, एलोवेरा जेल जो आपके बालों को मजबूती देता है, नमी बनाए रखता है और बालों की जितनी समस्याएं होती है उनको दूर करता है। इवन अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो ये डैंड्रफ को भी ख़त्म करता है। दूसरा, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अपने आप में पूरक होता है, ये आपके बालों में नमी बनाए रखता है और आपके बालों के अंदर मॉइस्चर को लॉक करके रखता है। इवन सिंगल अगर आप अपने थोड़े गीले बालों में कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि जब आप कॉम करते हैं तो आपकी बालों की जो उलझने होती हैं उसको भी कम करता है। तीसरा, विटामिन ई का कैप्सूल, उसका भी सेम यही काम है कि वे आपके बालों में नमी बनाए रखता है। आपके डल फिजी हेयर्स क्यों होते हैं, क्योंकि आपके बालों में से नमी खो जाती है, तो आपके नमी बनाए रखने के लिए ये तीन प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए हैं। बढ़ते हैं सीरम की तरफ। ये देखिए, 1 टेबल स्पून मैंने आपको कोकोनट ऑयल ले लिया है एंड इसमें 1 टेबल स्पून मैं अपना एलोवेरा जेल ऐड कर लेती हूँ एंड थर्ड इज विटामिन ई का, सॉरी कित क्या, दिस विटामिन ई का कैप्सूल मैंने इसमें डाल लिया है। तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल ली हैं और अच्छे से इसको आपको ब्लेंड कर लिया। फ्रेंड्स, ये आपका सीरम बनकर रेडी हो गया है। तो मैं आपको इसका एप्लीकेशन बता देती हूँ। ये आपने स्पून में लिया और हथेली पे डालकर आप इसको अच्छे से मसाज कर लीजिए और बालों का छोटा छोटा सेक्शन ले करके इस तरह से ले करके आप इसको अच्छे से लगा सकते हैं। पूरा लगाना है आपको, आपकी जड़ों पर भी आप इसे लगा सकते हैं, कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगा। आप इसकी टेल्स पर भी इसके अच्छे से मसाज कर लें, क्योंकि यहाँ का पोर्शन सबसे कम होता है बालों में और ये रफ भी ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि जब हम ऑयल या चंपी करते हैं बालों को तो वो हम हेड से ही करते हैं, इनको हम नहीं करते। तो आप इसको इसी तरह ले करके अपने जड़ों में भी इस तरह से भी मसाज कर सकते हैं और आप इसको एक ऑयल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप अपने बालों में ऑयल लगा के छोड़ते हैं तो इसे लगाने के बाद धोने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको इसी तरह जब अपने बाल अब आप धोते हैं एक दिन में दो दिन में, जब भी आप अपने बालों को वॉश करते हैं तो नॉर्मल अपने पानी से इनको वॉश कर सकते हैं और आप देखेंगे आपके 2-3 यूज़ के बाद ही आपके बालों का टेक्सचर आपको अलग से नज़र आएगा। ये देखिए, अच्छा सा टेक्सचर, स्मूथनेस आपके बालों में आ जाएगी। इस तरह से आप देखेंगे तो आपके बालों में स्मूथनेस नज़र आएगी। मैं आपको सारा लगा के दिखा देती हूँ। इस तरह हथेली में रब करके, जिसे हम लोग ऑयलिंग करते हैं, उसी तरह इस हेयर सीरम को आपको लगाना है। देखिए, आप इसको रूट्स में भी लगा सकते हैं। अच्छे से लगाएं आप इसको और इसी तरह बालों में अच्छी तरह मसाज करें। आप देख पाएंगे पहले से, मैं कॉम कर लेती हूँ। देखिए इस तरह से,
जब आप एक एप्लीकेशन को लगाते हैं तो आपके बाल थोड़े से वेट होने चाहिए, जैसे आपने अपने हेड वॉश किया और थोड़े बाल आपके गीले, तो इस एप्लीकेशन को लगाएं और लगाने के बाद आप थोड़ी देर अपना टॉवल, जिस टॉवल से आपने हेयर्स अपने वाइप किए हैं उसी टॉवल्स को आप 10-20 मिनट्स अपने इस मास्क को लगाने के बाद अपने हेड में टाई कर लें, तो आप देखेंगे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। प्लीज़ अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।